उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई है। राहत विभाग के अनुसार शुक्रवार शाम 6:30 बजे से शनिवार शाम 6:30 बजे तक 5 लोग डूब गए और 5 की मौत बिजली गिरने से हुई। एक व्यक्ति की मौत सांप काटने से हो गई। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई गाँव का संपर्क कट गया है और निचले इलाकों में जल भराव हो गया। राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं और NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। देवभूमि द्वारका तालुका में शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 163 मिमी बारिश दर्ज की गई। जूनागढ़ में 133 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं सोमनाथ जिले के पाटन वेरावल में 117 मिमी बारिश दर्ज की गई। कच्छ के नत्राणा पलारधुना झरने में बाढ़ जैसे हालात बने। 2 लोग बबूल के पेड़ के सहारे 2 घंटे तक लटके रहे, जिन्हें बाद में रस्सी की सहायता से बचाया गया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। 17 जुलाई को हुए लैंडस्लाइड में 10 लोगों के लापता होने की शिकायत मिली थी, जिससे 7 की डेड बॉडी बरामद की जा चुकी है और बाकी 3 लोगों की तलाश जारी है। उड़ीसा के चिलिका झील के पास तटीय क्षेत्र पर शनिवार को एक डिप्रेशन बना। मौसम विभाग के अनुसार इसके उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। 1 जून से 18 जून तक राज्य में 394.1 मिमी की नॉर्मल बारिश के मुकाबले 288.3 मिमी बारिश हुई है। सिरमौर जिले के रेतुआ गांव में शुक्रवार देर रात बादल फटने से भारी बारिश हुई, जिसमें एक व्यक्ति बह गया। 27 जून से अब तक राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के मौसम विभाग कार्यालय ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में सिरमौर और शिमला के कुछ क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड आ सकता है। 23 जुलाई को राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में भारी बारिश से बहुत आंधी तूफान और बिजली गिरने की ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में रविवार और सोमवार के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों में इस अवधि में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। देश भर में भारी बारिश से कई राज्यों में संकट की स्थिति पैदा कर दी है। विभिन्न राज्यों में बाढ़, भूस्खलन और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए राहत कार्य जारी है। राज्य सरकारें और राहत एजेंसियां स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और आवश्यक कदम उठा रही हैं। जनता को भी सतर्क रहने और मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी जा रही है।